हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल News48। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज़ हम आपको सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं देश के सभी राज्यों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन 3 मई तक है। ऐसे में हमारे होमगार्ड साथी भी सभी राज्यों में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ड्यूटी को कर रहे हैं, जो कि इतनी खतरनाक ड्यूटी हो सकती है दोस्तों, कि आप जानते हैं कि होमगार्ड साथियों को भी जो है वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो पुलिस विभाग को दी जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे होमगार्ड साथी ये ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, होमगार्ड साथियों को जो है वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके लगातार मांग उठ रही है, हम भी कर रहे हैं। तो राजस्थान उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों को 50 लाख रुपए का बीमा एवं पुलिस के समान सुविधाएं देने का ऐलान कर दिया। और आज आगे खबर करेंगे, बात करेंगे दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। कोरोना की जंग में लड़ रहे योद्धाओं को सीएम जयराम का सुरक्षा कवच, होमगार्डों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। जी हाँ दोस्तों, सीएम जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड जवानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। गृह रक्षा कल्याण संघ जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति के अध्यक्ष प्रेम राज शर्मा, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेतराम व महासचिव उर्मिला ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनके प्रधान सचिव संजय कुंडू का गृह रक्षा जवानों को कोरोना की जंग से मुकाबला करने को विशेष सुरक्षा कवच देने पर आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के लिए सेवा पर तैनात होमगार्ड जवानों को पुलिस की तरह सुविधा प्रदान करने का ऐलान कर दिया है। जवानों को 20 लाख रुपये पीपी मास्क व सैनिटाइजर तथा 20 लाख रुपए रिप्लेसमेंट मिलेंगे। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सभी गृह रक्षक स्वयं सेवकों की भी सराहना करते हुए कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में होमगार्ड का हर जवान बेहतरीन काम कर रहा है। उनका कहना है कि उन्हें होमगार्ड होने पर गर्व है। बता दें कि गृह रक्षक के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार से जवानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हो रहा था। जहां पुलिस को सरकार हर प्रकार का सहयोग दे रही थी, वहीं होमगार्ड के जवान मुंह ताक रहे थे। जबकि कोरोना से पुलिस व होमगार्ड के सभी योद्धा बराबर मुकाबला कर रहे हैं। इस भयानक महामारी का प्रकोप विश्व भर में है, वहीं इस बीमारी से हिमाचल भी अछूता नहीं है। महामारी से बचाव को हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन धारा 144 लगाई गई है। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिमाचल के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो कि पूरी ईमानदारी और लगन के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर व पुलिसकर्मी इस महामारी का शिकार न हो जाएं, इसके लिए सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा किट का इंतजाम किया है, जिसमें डॉक्टरों को यह सुविधा पहले से दी जा रही थी। उसके उपरांत पुलिस के सिपाही व अफसरों को भी यह किट वितरित की गई, जिसमें पुलिस जवानों को कई ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर की विशेष आदि जवाब दी गई। लेकिन सरकार होमगार्ड जवानों को ये देना भूल गई, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों को ये सारी सुविधाएं दे दी हैं। इसके साथ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि होमगार्ड जवानों का अभी तक का जो बकाया मानदेय है, उनका जो वेतन है वो उन्हें दिया जाएगा और उनका वेतन अब उन्हें टाइम पे दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी होमगार्ड जवानों का रुका हुआ वेतन जारी करने का निर्देश दिया है और उन्हें भी जल्द ही वेतन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपके राज्य में आपको जो है वो सुरक्षा कवच मिला है या नहीं, पीपी मास्क या जो आपको सैनिटाइजर या आपको जो 50 लाख रुपए की बीमा योजना है उसमें शामिल किया गया है या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और इसके साथ साथ जो है बात करें हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की, इन राज्यों में होमगार्ड जवानों को ये सुविधाएं सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत से राज्यों में अभी होना बाकी है। तो आप हमें अपने राज्य के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।